अजीज तलबा, हमने पिछले वीडियो में देखा कि बुनियादी हुकूक हिस्सा दो क्या है। इसमें सबसे पहले मजहबी आज़ादी का हक। आप तमाम ही जानते हैं कि भारत एक अहम सेकुलर मुल्क है। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा कि भारत सेकुलर मुल्क होने की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत सारे मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आज़ादी से और खुशदिली से रहते हैं। मज़हबी आज़ादी के मुताबिक हर शहरी को अपने पसंदीदा मज़हब और अकीदे पर अमल करने का और अपने मज़हबी फ़राइज़ अंजाम देने का हक दिया गया है। भारत में रहने वाले मुस्लिम अपने त्यौहार जैसे ईद, बकरीद और दूसरे बहुत सारे त्यौहार, अपने शादी की रस्म रिवाज, इसी तरह मौत के मुतालिक जो उनके रस्म रिवाज है, इस ताल्लुक से वो लोग अपने अकीदे पर कायम रहकर अमल करते हैं। इसी तरह हिंदू अपने जो त्यौहार है जैसे दिवाली, दशहरा, होली और बहुत सारे त्यौहार हैं, ये आज़ादी से मनाते हैं। इसी तरीके से उनके जो शादी ब्याह के रस्म रिवाज है या मौत के ताल्लुक से जो उनके तरीका है, इन पर भी बिला हिचकिचाहट वो अंजाम देते हैं। इसी तरीके से सिख मज़हब में मर्दों के लिए पगड़ी, हाथों में कड़े और दूसरे बहुत सारी चीज़ें लिबास के ताल्लुक से लाजमी हैं, वो तमाम लोग अपने मज़हबी लिबास के साथ अपने त्यौहार जैसे लोहरी और दूसरे त्यौहार जो है आज़ादी वो खुशी से मनाते हैं। साथ ही साथ अपने जो रस्म रिवाज है उन्हें अंजाम देते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिसमस के मौके पर ईसाई मज़हब के लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में त्यौहार मनाते हैं और फिर नए साल का जश्न मनाते हैं। तो मज़हबी आज़ादी के लिए और मज़हबी आज़ादी को उसत देने के लिए दस्तूर ने दो बातों की इजाज़त नहीं दी है। सबसे पहले तो हुकूमत आवाम पर कोई ऐसा टैक्स आयद नहीं कर सकती जिसका इस्तेमाल मज़हब को फ़रोग देने के लिए किया जाता हो, यानी मज़हबी टैक्स आयद करने पर पाबंदी। इसी तरीके से हुकूमत की मदद से चलने वाले किसी अदारे में मज़हबी तालीम को लाजमी करार नहीं दिया जाता। अब हम दस्तूर के बुनियादी हुकूक का दूसरा हिस्सा सकाफती और तालीमी हुकूक देखेंगे। त्यौहार, तकारीब, गज़ा, तर्ज ज़िंदगी ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मुख्तलिफ़ होते हैं। आप लोगों ने शादी ब्याह में देखा होगा कि हिंदू मज़हब की शादी का तरीका, इसी तरीके से इस्लाम मज़हब में जो शादी का तरीका है वो मुख्तलिफ है, इसी तरीके से सिख और ईसाई मज़ाहिब में भी इनके शादी के रस्म रिवाज मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन तमाम लोग मिलकर रहने की वजह से इनके त्यौहार, इनके रस्म रिवाज
इसमें यगानियत पाई जाती है और ये बहुत ही रंगारंग तकरीब और मिलजुल के साथ अंजाम दिए जाते हैं। अजीज तलबा, तमाम लोग जो है भारत के जो शहरी हैं वो अपने मज़हबी हक़ का इस्तेमाल, इसी तरीके से सकाफ़ती और तालीमी हकूक़ का इस्तेमाल खुल कर करते हैं। इसके ज़रिए से वो अपनी तंजीमें कायम करते हैं, अपनी ज़बान को फ़रोग देने के लिए अदारे कायम करते हैं ताकि वो अपने रस्म रिवाज, अपने अकीदे और अपनी ज़बान को फ़रोग दे सके। अज़ीज़ तलबा, ये जो अदारे हैं इनके ज़बान, इनके रस्म रिवाज और इनके कल्चर या जिसको सकाफ़त कहते हैं इसे अंजाम देते हैं।